योग तो एक ऐसी चीज है जिसको दिन के किसी भी वक्त किया जा सकता है। सिर्फ कुछ योग को छोड़ दो जिसको भोजन के बाद नहीं किया जा सकता, बाकी तो सारे योग ऐसे हैं। एक योग ऐसा भी है जो भोजन के बाद ही किया जाता है। यदि आप उसे कर रहे हैं तो आप कितना भी खा लो वो योग आपको पचा देगा। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। पत्रिका.com आपके लिए लेके आए, आपकी सेहत के लिए लेके आए एक बहुत सारी योग की सीरीज। नौकासन, इससे आपका जो बैली में एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्न होता है इसके रेगुलर अभ्यास से। तो आप जमीन पर सीधा लेट करके अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हैं, अपने पाँव को सीधा रखते हैं और अब धीरे धीरे जब आप अपने पाँव को ऊपर उठाते हैं उसके दौरान ही अपने हाथों को भी आप साइमल्टेनियसली एक साथ ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस तरह से आप अपने बॉडी का जो शेप है वो एक नौका की तरह, नाव की तरह बन जाता है। तो ये जो पार्ट है आपका बैली पार्ट है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये बैली के रिडक्शन के लिए साथ ही साथ आपके जो थाइज मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर होती है, प्लस जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी थाइज में प्रॉपर होता है, प्लस टोन अप करता है आपकी थाइज को। ये आपकी फाइनल पोजिशन है नौकासन की। अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आते हैं, बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। ये नौकासन का एक रिपीटेशन है, ऐसे आप लगातार 5 रिपीटेशंस कर सकते हैं। जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे आप। यस। और जब हम नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन। यस। इस दौरान आपको सांस का क्रम इस तरह से रखना है, 2 डाउन, 3। इसे हार्ड बनाने के लिए आप अपने टो को टच करें, कोशिश करें, डाउन, 4 डाउन, 5 रोकिए, थोड़ा सा इसे यहां पर रोकिए, एंड डाउन, रिलैक्स। और इस आसन के बाद में आप कम से कम 1 मिनट तक जमीन पर लेट करके आराम करेंगे। योग गुरु है हेमलता, योग गुरु है उमेश और इनके बहुत सारे साथी जो दिन भर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो उनके दोस्त, उनके समाज, उनकी सारी सोसाइटी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हम भी आपसे यही चाहते हैं। तो योग के लिए आज से आप तय कर लीजिए, योग करेंगे।